Triple kill. Mega kill. Double kill. Mega kill. Hey guys, hope you all are very well. तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत स्पेशल. आज मैं आपको बताऊंगा स्नाइपर टिप्स एंड ट्रिक्स अपने एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन के हिसाब से, जितना भी मैंने अभी तक प्ले किया है अप्रोक्स 3 इयर्स के अंडर. वैसे तो मेरे से भी बड़े बड़े प्रो लेवल के प्लेयर हैं, बट मेरा जितना ओपिनियन, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसी हिसाब से आपको स्नाइपिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी सेंसिटिविटी की. तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा आइडिया है, एक्सपीरियंस है, 5 to 10 के बीच में स्कोप सेंसिटिविटी एंड एम सेंसिटिविटी 25 to 30 के बीच में मैं रखता हूँ. तो वो आपके ऊपर डिपेंड, आप कितना मैनेज कर सकते हो, कितना सेट करके आप कितने प्रोफेशनली तरीके से प्ले कर सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैच ढूंढते हैं जो मैप पहले मिल जाए. वैसे सारे मैप में तो अलग अलग तरीके से ऑफेंसिव डिफेंसिव प्ले किया जाता है, कैसे प्रो प्लेयर्स हैं, कैसे शॉट गनर्स हैं, कैसे बॉट्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्नाइपर टिप्स एंड ट्रिक्स शो की जाती है. तो ये आ गया म्यान. चलो आज फर्स्ट म्यान में ही ट्राई कर लेते हैं. ये हो गया ज्वाइन. अगर आप पहले गेम एंटर कर जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके ओपोनेंट एंटर नहीं करते हैं, तो कोशिश करो कि उनके स्पॉन एरिया तक आप पहुंच जाओ. और मैप का ज़रूर ध्यान रखना, मैप में जो भी रेड डॉट आता है उसके अकॉर्डिंग अपने आपको वहां तक ले जाना. जैसे कि आप इनके यहां तक आ गए, तो अब आप यह फ़ायदा होता है, मतलब कि आप अपोनेंट के आने से पहले इनके स्पॉन एरिया तक आ जाओ, फिर उसके बाद आप उसके डॉट एरिया के हिसाब से, जैसे जैसे डॉट जहाँ जहाँ पता लगता है हमारे ओपोनेंट कहाँ पर है. अब देखो जैसे ये इसके पीछे छुपा हुआ है यहाँ पे, एक किल ऐसे आया. यहाँ से आप सब जगह नजर रख सकते हो, देख रहे हो. ये AK5 प्लेयर से तो डिस्टेंस बना के रखना, ओपनली इसके सामने प्ले मत करना. AK5 प्लेयर के सामने ऑफेंसिव मत खेलना, हो सके जितना हो सके डिफेंसिव भी प्ले करना. और म्यान में तो खासकर साइड ही जाओ तो बेटर है, मैप को देखते हुए. और कोशिश करना कि इनके स्पॉन एरिया तक किसी तरह पहुंच जाए. वो छूट गया हाथ से. जैसे दूरी बनाते जाना, जैसे जैसे वो पास आते जाए वैसे वैसे. अब सारे प्लेयर्स यहीं आ रहे हैं तो हम यहीं पे वेट करेंगे. और शॉर्ट गनर से तो ये जरूर ध्यान रखना, जैसे ही उसको किल कर दो आप तुरंत वहां से निकल जाओ, क्योंकि वो नेट फेंकने के चांसेस ज्यादा रहते हैं वहां पे. नेट को ज्यादा करते हैं, जैसे भी नेड किया इसने, मैं निकलने की कोशिश कर रहा था उससे पहले इसने नेड कर दिया, तो वो ध्यान आपको जरूर रखना है. अब एक प्लेयर है यहाँ पर, एक किल आया यहाँ. हमें रेड डॉट का जरूर ध्यान रखना है, उससे हमें आइडिया लगेगा कि हमें किस तरफ से जाना है. शॉट गन ज़्यादातर ग्रुप में ही आते हैं और वो भी छुपते छुपाते आएंगे, हमें उस टाइम पे डिफेंसिव ही खेलना है.
के सामने जाओगे तो शॉर्ट गन की पावर है ऐसी कि क्लोज में जल्दी किल हो जाओगे। ओहो अब देखो यहाँ पे रेड डॉट शो कर रहा है, रेड डॉट के हिसाब से मैंने तुरंत एंट्री ली और किल। अब वहां से नहीं जाना, मतलब कोशिश करना जहां से आप किल करते हो वहां पे जा रहे थे, रुको नहीं। ये हमने विक्ट्री कर ली इसी मैप के अकॉर्डिंग। तो गाइज देखा आपने कैसे म्यान में स्नाइपिंग का ट्रिक्स एंड स्नाइपिंग गेम प्ले। तो मैं अब आपको प्राइवेट में बताता हूँ कि आप कैसे, मतलब जैसा बिगिनर्स हैं या एवरेज में हैं तो कैसे आप प्ले कर सकते हैं म्यान में। जैसे म्यान है हमने इसको किया सेलेक्ट एंड प्ले। सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि स्पॉन एरिया तक पहुंचने की। अगर आप बीच में ज्वाइन कर रहे हो तो फिर तो आपको मैप देखकर ये रेड डॉट देखकर की एंट्री लेनी कि आपको कहां से जाना है। और प्रो लेवल प्रो प्लेयर का आपको ध्यान रखना है, अगर प्रो प्लेयर्स हैं तो डिस्टेंस बनाकर ही प्ले करें। अगर आप प्रो हैं तो फिर ऑफेंसिव प्ले कर सकते हो, अगर आप एवरेज में प्ले कर रहे हो या बिगनर हैं तो कोशिश करना डिफेंसिव में हो। अगर आपके पास चार्ली गोल्ड हैं तो चार्ली गोल्ड वालों के लिए तो स्पेशल है कि वो यहाँ पर खड़े हो जाएँ कोने में बिल्कुल, और यहाँ पर अपना स्कोप ऐसे ला तो किल करने के बाद इधर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि कोई आ तो नहीं रहा, लेकिन रेड डॉट पे जरूर ध्यान रखना है ऊपर जो मैप चल रहा है हमारा। और बाकी जो एवरेज लेवल के प्लेयर हैं वो थोड़ा इस तरीके से डिफेंसिव प्ले कर, ऑफेंसिव नहीं करना, लेकिन ऑफेंसिव तभी करना है जब सामने कोई आपके पास क्या कहते हैं बॉट है या फिर जिसके पास शॉर्ट गन है, मतलब कम अपग्रेडेड वाली। डीपी 12 है तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके चांसेस है कि आपकी हेल्थ तुरंत ख़त्म हो जाए, आप किल हो जाओ आप, ठीक है। और एक जगह रुकना नहीं है आपको, फिर उसके बाद कोशिश करना है कि आपको यहाँ पे आकर के उधर से प्लेयर्स आने का वेट करना है, और जैसे ही वो आए उसी टाइम आपको देन, अगर आप इसके ऊपर चढ़ सकते हो तो चढ़ भी जाओ। ये वैसे मैं आप मेरे को लग रहा है उल्टा आ गया है तो इसलिए मैं नहीं चढ़ पा रहा हूँ इसके ऊपर इनके स्पॉन एरिया में, तो कोशिश करना आपको इनके स्पॉन एरिया में भी पहुँचने की अगर प्रो प्लेयर्स नहीं है तो। अगर बिगिनर्स हैं तो वो ऊपर ही रहते हैं खासकर, और आपको एक जगह तो बिल्कुल भी नहीं रुकना। मैं इनकी कुछ ट्रिक्स हैं, आप इसके ऊपर भी जा सकते हो सीढ़ियों से ऐसे जा करके, और यहाँ पर बिल्कुल डिफेंसिव आप प्ले कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आना है आपको, और देन यहाँ से होते हुए नीचे चले जाना है, लेकिन ध्यान आपको मैप का जरूर रखना है क्योंकि कहाँ से शॉटगन प्लेयर आ जाए एकदम आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद वापस आ करके बिगिनर से एवरेज प्लेयर हो तो यहाँ पे जरूर आ जाना, और फिर प्ले करना है यहाँ से, ठीक है। देन फिर यहाँ पर आ करके और इसके थ्रू आप डिफेंसिव प्ले कर सकते हो ऐसे, और फिर इधर भी ध्यान रखना थोड़ा, और वापस आ करके और फिर इधर आ जाना। देन यहाँ पे मैप के अकॉर्डिंग देख करके थोड़ा इसके अंदर से भी आप ऐसे स्कोप ओपन करके देखते हुए आगे निकल जाना, ठीक है। तो ये थी गाइस म्यान की कुछ टिप्स कैसे आपको प्ले करना है। देन कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपको नेक्स्ट कौन से मैप में मैट्रिक्स बताऊं गेम प्ले का, प्रो लेवल के अगेंस्ट और एवरेज एंड बिगिनर प्लेयर के अगेंस्ट। मेरे को कमेंट सेक्शन में आए थे कुछ प्लेयर्स के कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग वीडियो बनाई है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा कि मैं आपके लिए एक और अलग अलग मैप में सारे वीडियोज़ लेकर के आऊँ कि कैसे प्ले करना है। तो मिलते हैं अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गेम प्ले के साथ, न्यू स्नैपिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ न्यू मैप में। तब तक के लिए बाय, एंड मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।